बसमिल्लामकुम ये बच्चों कल हम डिस्कस कर रहे थे सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमने डिस्कस किया था कोल और नेचुरल गैस आज हम थर्ड सोर्स डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेट्रोलियम जी बच्चों आपने पेट्रोलियम की इब्तदा इसका जो औरजन्स है या आप क्लास में जो है वो इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं पेट्रोलियम जो है ये एक लातीनी जबान का लफज है जो दो अगर इसको तोड़ा जाए तो पेट्रा और ओलियम बनता है पेट्रा से मुराद चटान या रॉक और ओलियम से मुराद ऑयल यानी कि इसका अगर मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब है चट्टानी तेल या रॉक ऑयल ये भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है जब इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है जमीन से तो ये ब्लैकिश कलर में मिलता है हमें फिर इसकी हम क्या करवाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसको उर्दू में कहते हैं कसरी कशीद यानी के पेट्रोलियम को आगे हमने इसके कंपोनेंट्स में क्या करना होता है ब्रेक करना होता है डिवाइड करना होता है इसके लिए टेक्निक यूज की जाएगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे कहते हैं जिसमें कंपोनेंट को हम बोइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की बुनियाद पर सेपरेट करते हैं तो ऐसी टकनिक क्या कहलाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अब इसके लिए एक जो है वो ऑपरेटर्स चाहिए हमें या इंडस्ट्री में जब आप पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं या उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं तो आप उसको एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या करवाते हैं पास करवाते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है उसमें जो है वो कंपार्टमेंट्स बने होते हैं या जिसे आप शेल्फ्स का नाम दे दें वो होती हैं उसमें तो जब आप पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की बुनियाद पर उसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं तो हर कंपोनेंट अपने बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर हर शेल्फ में या हर अलग-अलग कंपार्टमेंट्स में जो है वो कलेक्ट होता जाता है फॉर एग्जाम्पल जो गैसेस हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम होता है तो वो ऊपर वाले कंपार्टमेंट्स में सबसे ऊपर वाले कंपार्टमेंट्स में जो है वो इकट्ठा हो जाती हैं। और जिस तरह जिसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वो फ्रैक्शन कॉलम में जो है वो उसकी बॉटम में जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे अगर आपको आज तोफीक हो तो आप अपनी जो है वो टेंथ क्लास की केमिस्ट्री निकालिए और उसमें जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में आज आप जो आप पढ़ चुके हैं उसको एक बार फिर पढ़ेंगे तो ये इन शजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टिक तो इधर हमने वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक नहीं इस्तेमाल करनी क्योंकि अब वो आप ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं तो आज हम जो पेट्रोलियम की जो कंपोनेंट हांसलूँगे हमें उसकी कंपोजिशन और उसके यूज़र जो है वो डिस्कस करेंगे अच्छा ये देखें मिनरल ऑयल मादनी तेल इज कॉल्ड पेट्रोलियम व्हेन इट इज इन रिफाइन फॉर्म के मादनी तेल जिसको हम पेट्रोलियम का नाम देते हैं कब उसको पेट्रोलियम का नाम देंगे जब इसको रिफाइन किया जाएगा रिफाइनरीज में तेल साफ करने वाले कारखानों में तो तब इसको हम पेट्रोलियम का नाम देंगे पेट्रोलियम कैसे बना ये कल भी मैंने आपको बताया था के 500 मिलियन अगो एयर अगो 500 साल पहले जमीन का ज्यादातर हिस्सा जो था वो समुंदर समुन्द्रों पर मुश्तमिल था अब समुंदर में पौधे भी होते हैं और जानवर भी मौसमियाती तब्दीली रून हुई तो जो उसमें पौधे और जानवर थे वो मर गए और जो है समुन्दर की बॉटम में जिसे हम कहते हैं तय उसमें कलेक्ट हो गए। अब हुआ ये कि मौसम अति तब्दीली थी, तब थी। उसमें जो पानी और रेत था उसने चटान की शक्ल इख्तियार कर ली और इसी तरह जो है वो उनके अजसाम जो हैं दरख्तों और जानवरों के उस कीचर के नीचे ही दफन हो गए अब चूंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के बराबर थी और बैक्टीरिया मौजूद थे तो बैक्टीरिया ने उन्हें की उनकम्पोजेशन कर दी, दी। थोर पोर कर दी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो डीकम्पोजेशन का प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक मैटर का वो स्लो होता है इसी तरह इनको जानवरों और पौधों के शाम को पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने में सालों साल लग गए तो इसी तरह जो है वो पेट्रोलियम बना और ये चट्टान ऊपर होने की वजह से बाहर ना निकल सका आजकल इसको जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हम बाहर निकाल रहे हैं तो इस तरह पेट्रोलियम बना के ज्यादातर जो जमीन का सारा वह समुद्रों पर मुश्तमिल था उसमें जानवर मौजूद थे मौसमिया तब्दीली रून माह हुई हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से बैक्टीरिया ने ऑर्गेनिक मैटर को यानी के जानवरों के शाम को किसमें कन्वर्ट कर दिया ऑयल में ऊपर चूंकि चटान बन गई थी तो वो बाहर नहीं निकल सके आज कल हम उसको जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पेट्रोलियम को बाहर निकाल लें ना खालस तेल वैन पेट्रोलियम ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक इट अपियर लिक्विड ऑफ ब्लैकिश कलर नाउन एज क्रूड आयल के जब पेट्रोलियम को चट्टान से बाहर निकाला जाता है तो ये क्या किस कलर में रूनुमा होता है ब्लैकिश कलर में इसको हम नाम देते हैं क्रियोडाइल आयल का किसका नाम देते हैं क्रियोड आयल का नाम देते हैं <laughs> रिफाइनिंग रिफाइनिंग कहते हैं प्योर बनाना यानी के क्रियोडाइल आयल में से जो इंप्योरिटीज हैं उसको सेपरेट करके उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना तो इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का नाम देते हैं इज़ टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम हम क्या करते हैं ऑयल को रिफाइन करते हैं रिफाइनरीज में तो जिससे हमें पेट्रोलियम की डिफरेंट फ्रैक्शन पेट्रोलियम में की डिफरेंट फ्रैक्शन से क्या हम कि उसमें गैसियस गैसोलीन, जेट वगैरह जो हैं, वो शामिल होंगे। आयल रिफाइनरी इन पाकिस्तान पाकिस्तान में कौन कौन सी रिफाइनरीज हैं जो ऑयल को रिफाइन कर रही हैं या ऑयल को साफ कर रही हैं या उसकी फ्रैक्शन को जो है वो सेपरेट कर रही हैं तो चार ऑयल रिफाइनरीज हैं टोटल पाकिस्तान में उसमें अटक ऑयल रिफाइनरी अटक ऑयल रिफाइनरी जो है वो कहां पर कायम है रावलपिंडी के नजदीक कायम है और ये कितना डेली का ऑयल रिफाइन करती है 1.25 मिलियन टन ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है इसकी ये जो अटक ऑयल रिफाइनरी है वो रावल पिंडी के करीब लगाई गई है और ये कितनी इसकी कैपेसिटी है को रिफाइन रिफाइन करने की मिलियन टन करती है ये एक दिन में इसी तरह कराची रिफाइनरी दो ऑयल रिफाइनरी जो है वो कराची में कायम है और इनकी जो कितनी कैपेसिटी है ऑयल को रिफाइन करने की टू वन थ्री मिलियन टन ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी इसी तरह एक आयल रिफाइनरी जो है उसको हम कहते हैं पाक अरब रिफाइनरी और ये लोकेटेड है महमूद कोट जो के मुल्तान में वाक है तो टोटल कितनी आयल रिफाइनरी हैं पाकिस्तान में चार जिसमें दो कराची में कायम है एक रावलपिंडी के करीब कायम है और एक मुल्तान में ये चारों आयल रिफाइनरी जो पाकिस्तान में तेल जो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसको रिफाइन करेंगी और जो बरून मुलक से मंगवाया जाएगा उसको भी रिफाइन जो है इन्हीं रिफाइनरीज में किया जाता है को और ये एम सी उसके हवाले से पूछा जाता है क्वेश्चन की अटक आयल रिफाइनरी की कितनी कैपेसिटी है टू तो रिफाइन द द्या तो बताएंगे वन पॉइंट टू फाइव मिलियन टन इसी तरह जो कराची में कायम है उनकी कितनी कैपेसिटी है टू पॉइंट वन थ्री मिलियन टन आय को रिफाइन करती है पेट्रोलियम फ्रैक्शन अब ये देखें जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करवाते हैं रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज में तो आपको मैंने पहले ही बता दिया एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है जिसमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शन को सेपरेट किया जाता है या पेट्रोलियम को उसकी सब फ्रैक्शन में जो है वो डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इस तकनीक को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम देते हैं और ये जो कॉलम इसके लिए यूज होगा उसे हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का नाम देंगे अब मैंने पहले ही आपको बताया कि उसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं शलफ्स होती हैं बनी हो हुई जिन कंपोनेंट्स के पेट्रोलियम के, के वो कंपोनेंट्स या वो फ्रैक्शन जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो ऊपर वाले कंपार्टमेंट्स में कलेक्ट हो जाते हैं और जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है वो निचले वाले कंपार्टमेंट्स में कलेक्ट हो जाते हैं तो ये जो टेबल आपको स्लाइड में नजर आ रहा है इसमें सबसे पहले आप देखे कौन सी फ्रैक्शन हासिल होगी नेचुरल गैस नेचुरल गैस का बॉइलिंग पॉइंट रेंज क्या होता है लेस देन ट्वेंटी अब बॉइलिंग पॉइंट सच टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी स्पीशीज कम इक्वल टू एक्सटर्नल एटमोसफेरिक प्रेशर तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं तो नेचुरल गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस दैन ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड है इसकी जो कंपोजिशन है इसमें कार्बन कितने होंगे एक कार्बन से लेकर चार कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन इसमें शामिल होंगे इसको किस परपज के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जिसमें मुख्तलिफ केमिकल्स तैयार किए जाते हैं उसको हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का नाम देते हैं या ये जो फ्यूल घरों में खाना बनाने के लिए और इंडस्ट्री में भी हम इसको, इसको इस्तेमाल करते हैं मोस्टली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या जो है सीमेंट इंडस्ट्री ठीक है इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए फ्यूल और घरों में भी डोमेस्टिक डोमेस्टिकपज के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते सेकंड फ्रैक्शन जो है वो है पेट्रोलियम ईथर इसका बॉइलिंग पॉइंट रेंज क्या है 20 से डिग्री सेंटीग्रेड अब ये देखे ना मैंने आपको पहले ही बता दिया फ्रैक्शन कॉलम में टॉप पर कौन से फ्रैक्शन हासिल होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है उसके नीचे वो होंगे जिसका ऊपर वाले से ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट अब पेट्रोलियम ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नेचुरल गैस से क्या है ज्यादा है इसलिए ये नेचुरल गैस से नीचे वाले शेल्फ में क्या होंगे कलेक्ट होंगे और इसमें कंपोजिशन कार्बन की क्या आएगी सी फाइव टू एच टू सी एच फोर्टीन यानी कि पेंटेन और हेक्सेन इसमें शामिल होगा और इसको एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है लेबॉरटरी में बेतौर सॉल्वेंट हम इसको इस्तेमाल करते हैं आपने चैप्टर नंबर टू में जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं केमिस्ट्री में उसमें आपने जो है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में आपने क्या करना होता है कि पहले सॉल्वेंट को सिलेक्ट करना होता है जिसमें आपने डिफरेंट कंपाउंड की क्रिस्टलाइजेशन करवानी हो तो उसमें सॉल्वेंट के तौर पर हम पेट्रोलियम ईथर को इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा और भी इसको एज एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम जो है वो आप पढ़ेंगे ग्रेगुलर रिएजेंट जो है उसमें भी इसको सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा इसके बाद जो फ्रैक्शन हास होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से वो नेफ्था या इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होगा सिक्सटी टू हंड्रेड यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों कंपोनेंट से क्या है ज्यादा है और इसमें कौन सी कंपोजिशन आएंगी हैगज और हैपटेन सी सिक्स वाले हाइड्रोकार्बन को, को हम हेप्टेन का नाम देते हैं। इसको भी एज हम सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे और यहाँ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को कहते हैं खाम माल ये ऐसा मटेरियल जिससे कोई भी दूसरा जो है कंपाउंड या हम मटेरियल प्रिपेयर कर सके तो इसको हम रॉ मटेरियल का नाम देते हैं इसके बाद आएगी फ्रैक्शन गैसोलीन तो गैसोलीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन तीनों कंपोनेंट से जो गैसोलिन फ्लैक्शन है होगी इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नेचुरल गैस पेट्रोलियम ईथर और नेफ्था तीनों से क्या होगा ज्यादा वो किस रेंज में आएगा 40 टू 220 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें कौन से हाइड्रोकार्बन होंगे C4 से लेकर C13 वाले कार्बन होंगे या सी सिक्स टू एच और सी एट एच एटीन के इसमें ज्यादातर हैक्जेन और आक्टेन की कंपोजिशन होगी और इसको हम एज ए मोटर फ्यूल ये गाड़ियां जो हम चला रहे हैं इसमें क्या यूज किया जाता है एनर्जी सोर्स गैसोलीन जो किसके में इस्तेमाल होगा मोटर फ्यूल यानी कि गाड़ियों में बतौर ईंधन के तौर पर इसको हम इस्तेमाल करेंगे अच्छा अब ये देखें इसके बाद आता है कैरोजीन ऑयल कैरोजीन आयल का जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो 175 से लेकर 325 हंड्रेड एक सौ से 325 के दरम्यान दरम्यान इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और आप देख रहे हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन चारों कंपोनेंट से जो है वो ज्यादा है तो जिस तरह जैसे जैसे किसी भी फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता जाएगा वो फ्रैक्शन कॉलम के बॉटम में कलेक्ट होगा और जिस फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो वो फ्रैक्शन कॉलम के टॉप वाली शलफ्स में कलेक्ट होगा यानी कि नेचुरल गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है तो ये सबसे पहले या ऊपर वाले कंपार्टमेंट्स में सेपरेट होगा अच्छा इसके जो कंपोजिशन है इसमें ज्यादातर ऑक्टेन और जो है सी फोर्टीन वाला हाइड्रोकार्बन जो है इन्वाल्व होगा और इसको हम हीटिंग फ्यूल मट्टी के तेल को एज ए हीटिंग फ्यूल जिनाले वाले ईंधन के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे इसके बाद आ जाता है गैस आयल गैस आयल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्रेटर देन होगा 275 और इसकी कंपोजिशन में कौन से हाइड्रोकार्बन होंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 12 टू नंबर ऑफ कार्बन 18 वाला हाइड्रोकार्बन शामिल होगा अब इसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए डीजल एंड हीटिंग फ्यूल जलाने वाले ईंधन के तौर पर और डीजल के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेंट्स ऑयल एंड ग्रीसिस हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है या ग्रीस जो है जिसे हम नाम देते हैं यह आपको पता है कि ब्रेक सिस्टम में इस्तेमाल की जाती है टू डिक्रीज द फ्रैक्शन जो है फ्रिक्शन फ्रिक्शंस को हम कम करने के लिए ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में जो है हम क्या इस्तेमाल करते हैं ग्रीस वगैरह को इस्तेमाल करते हैं जो क्या करता है फ्रिक्शन जो होती है उसको लो कर देता है और ये क्या होता है विस्कस लिक्विड होता है क्या होता है विस्कस लिक्विड उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो ग्रेटर देन हो जाते हैं एटीन टू थर्टी एट यानी कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटीन से ज्यादा होंगे और हाइड्रोजन थर्टी एट से ज्यादा होंगे इसको किसके लिए यूज किया जाएगा लुब्रिकेशन के तौर पर एज ए ग्रीस के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन आसल होगी उसको हम पैराफाइन का नाम देंगे पैराफाइन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट फिफ्टी टू सिक्सटी डिग्री होगा ये पैराफाइन जो है ये सॉलिड फॉर्म है और सॉलिड की जो है टेम्परेचर करेक्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है सच टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड और मेल्ट इस कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट तो अब इसमें कंपोजिशन कौन सी होगी कार्बन ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी नाइन होगा और इसको हम वैक्स प्रोडक्ट के तौर तो पर इस्तेमाल करेंगे वैक्स समझते हैं आप मोम को कहते हैं लास्ट जो हमें पेट्रोलियम फ्रैक्शन आसल होगा वो असफाल्ट होगा आपने देखा होगा कि ये जो सड़कों पर तय बिछाई जाती है जिसे हम उर्दू जुबान में लुक का नाम देते हैं तो इसे ये को, क्या लुक होती है असफाल्ट ठीक है इसको जो पीछे बाच जाता है पेट्रोलियम फ्रैक्शन का जब आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करवाते हैं तो जो पीछे नकारा मादा बच जाएगा उसे हम रेजीड्यू का नाम देंगे और यही रेजीड्यू क्या कहलाएगा फॉल्ट या पेट्रोलियम कोक और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म इसको हम किसके लिए यूज करेंगे रूफिंग छत बनाने के लिए ठीक है और इसके अलावा जो है वो इसको सड़कों की तय बचाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट है फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट से मराद के फ्यूल में अगर आप डाल देना ये कोई भी फ्यूल है बतौर जो ईंधन इस्तेमाल होता है तो उसकी उसको जो है रिड्यूस रिड्यूस कर देगा उसकी कैपेसिटी को